देता हूँ मैं, और इसमें मैं कह देता हूँ कि 18 डॉट सही है। अच्छा, इसमें ES6 का भी इजाफा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि ES6 जो है हमारे कॉन्टेक्स्ट में रहे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारा ES6 में कर रहे हैं। सही है। तो हमने कहा कि ES6 का जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो हम पढ़ रहे हैं मैप, ठीक है, बल्कि इसका नाम प्रॉपर है कि एरे डॉट मैप। अच्छा, एरे डॉट मैप का चक्कर ये है भाई साहब कि जो सारे काम ना हम फॉर लूप से कर सकते हैं वो सारे काम हम मैप से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मैप क्या चीज है? मैप एरे का मेथड है। इसका मतलब ये हुआ कि मैप से लूप चलाने के लिए मेरे पास एरे होना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस सारे कोड को मैं कमेंट करके ना, इस सारे कोड को मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने इससे नेस्टेड वाला भी कराना है, वही सेम काम। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि लेट ARR इक्वल्स टू, और इसमें मैंने कुछ नंबर्स इसको दे दिए, कुछ नंबर्स मैंने इसको दे दिए। अब इसके ऊपर अगर मैंने लूप चलाना है तो मैं जो फॉर वाला लूप है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फॉर लूप के ना कुछ डाउन साइड्स भी हैं, कुछ अपसाइड है। अपसाइड तो ये है कि उसमें जैसे चाहो आप घुमा लो, बहुत कस्टमाइजेशन उसके अंदर मौजूद है और बहुत कंट्रोल, बहुत टाइट कंट्रोल आपको उसके अंदर मिल जाता है कि किसी भी चीज़ को, मतलब एरे हमने देखा था कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट उठा के हम बाहर ले गए, इंक्रीमेंट वाला पार्ट उठा के हम कहीं और ले गए, बीच में दरमियान में इफ़ लगा के उसको ब्रेक ब्रेक भी कर सकते हैं, कंटिन्यू का भी कीवर्ड हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फिर मिसाल के तौर पे एरे अगर 3 इंडेक्सेस है एरे में तो मेरी मर्जी में उसको 4 दफ़ा भी चला सकता हूँ। सर्टन सिनेरियो में मैं 3 दफ़ा नहीं चलाना चाह रहा, मैं 4 दफ़ा चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं +1 करके और दफ़ा चला लूँगा उसको। तो इस तरह की मेरे पास टाइट कंट्रोल मौजूद है, मैं जैसे चाहूँ उसको ट्रांसफॉर्म कर लूँ। लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि फॉर लूप लिखने के एतबार से सम टाइम उसमें मिस्टेक हो जाती है, और ज़रा सी आपने मिस्टेक की तो वो इनफाइनाइट लूप हो सकता है। हमने ये करके देखा था कि ज़रा सा वो कंडीशन में उल्टा लग गया ना अगर साइन आपका, तो वो फौरन इनफाइनाइट हो जाता है। अच्छा, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब लूप चलाते हैं तो हमें जितने एरे के इंडेक्सेस होते हैं उतनी बार चलाना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ ऐसे टाइम भी होता है कि बीच में नहीं ब्रेक भी करना पड़ रहा है, या एरे 10 इंडेक्सेस का है हमें 5 तक लेकिन जाना है, इस तरह की सिचुएशन बहुत कम होती है। लेकिन ज़्यादातर ये सिचुएशन होती है कि अच्छा यार, ये जितने भी इंडेक्सेस का एरे ना, इन सब पे एक एक करके जाओ और फला काम कर दो। तो उस पर्पज़ के लिए ना ये मैप बहुत परफेक्ट चीज़ है। अच्छा, मैप इनफाइनाइट कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, एरे डॉट मैप ऐसे करके लिखेंगे, सही है। अच्छा, इस मैप के अंदर ना मुझे देना होता है एक अदद फंक्शन। अब फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी इसको इसी तरह से अब्जॉर्ब करो। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन ऐसे करके पास कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया कि ईच आइटम या ईच इंडेक्स कह लो उसको, और ये इंडेक्स ठीक हो गया। तो मैंने ARR के ऊपर जो मेरी वेरिएबल था मेरा, उस पर डॉट मैप लिखा है मैंने, और यहाँ पे अंदर आके मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्सोल कर लेता हूँ। हाँ भाई, बेटर है। अब देखो, मेरे पास ये एक अदद एरे है और उसके ऊपर मैंने मैप करके लूप चलाया है। अच्छा, ये लाइन ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर से गुजर रही होगी, लेकिन इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं कि ये क्या है। अच्छा, ARR.map तो इसका मेथड है, ये तो समझ आ गया। उसके बाद ये फंक्शन में ना 2 पैरामीटर है, ईच आइटम और इंडेक्स। अच्छा, ये जो 2 पैरामीटर है ना, ये मेरी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन मैं
कोशिश करता हूँ कि रेलिवेंट नाम दूँ, और मेरे ख्याल में ये ईच आइटम जो है ना, क्योंकि इस वाले जगह पे मुझे हर दफ़ा एरे का एक एक इंडेक्स करके जो जो वैल्यू है ना एक्चुअल में वो मिलती है, तो मैं ईच आइटम या ईच वैल्यू इसकी आमतौर पर नाम रखता हूँ मैं आमतौर पर इसका। अच्छा, और इस इंडेक्स में क्या मिलेगा, उसका उसकी लोकेशन कि 0 या 1 या 2 जो उसका जो एड्रेस है, ठीक है, वो लोकेशन इसमें मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग पे आके मैंने इस ईच आइटम को प्रिंट करवा दिया, यहाँ से इसकी बॉडी शुरू है और यहाँ पे इसकी बॉडी ये फंक्शन की ख़त्म हो, ये फंक्शन उतनी ही दफ़ा चलेगा जितने इस एरे के अंदर इंडेक्सेस हैं, दैट्स इट। ना ज़्यादा चला सकते हैं आप इसको, ना इसको आप पहले ख़त्म कर सकते हैं। अगर इसमें 10 इंडेक्सेज हैं ना तो ये 10 दफ़ा चल के ही रुकेगा, इसको आप बीच में रोक नहीं सकते, सही है। तो इनफाइनाइट होने का, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन में दे नहीं रहा उसको, बस मैं एरे का नाम बताता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट मैप घूम जाओ इसके ऊपर, तो वो उस एरे में जितने इंडेक्सेस होते हैं सब पे घूम जाता है। इनफाइनाइट होने का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, और इस ईच आइटम में मुझे एक एक आइटम करके मिलता रहता है। अच्छा, तो ये बॉडी जो है ये 10 दफ़ा घूमेगी और 10 के 10 आइटम को ऐसे प्रिंट मार देगी, दैट्स इट, ख़त्म कहानी, आसान है ये। इंडेक्स को इस वक्त मैंने कहीं पे यूज़ नहीं किया, वरना कॉन्सोल पे यूज़ किया है, चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ मैं इस इंडेक्स को। ओहो, क्या किया मैंने ये, सही है, चाहूँ तो मैं इसको हटा दूँ, जस्ट ईच आइटम में रख दूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो लेकिन सम टाइम मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है इंडेक्स की भी ना, इंडेक्स की ज़रूरत पड़ जाती है कि अच्छा यार, मिसाल के तौर पर मुझे इवन जो जो लोकेशन है ना एरे की उसमें जो इवन नंबर के साथ कुछ कराना है अगर, तो मैं फिर इसका सहारा लेता हूँ कि अच्छा यार इंडेक्स जो है अगर वो इवन है तो इसके साथ ये कर दो। तो इंडेक्स की अक्सर ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने इंडेक्स को भी साथ ही रखा है। इसके ये दो ही पॉसिबल पैरामीटर्स हैं कि ईच आइटम और इंडेक्स, ठीक है, बस इसमें इतना ही है, इसमें तो और कुछ खास है नहीं। इसमें कोई सवाल किसी का? हाँ हाँ, इसमें बिल्कुल मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। मैंने कहा कि यार ईच आइटम अच्छा, इस ईच आइटम में अगर मैं करूँगा ना तो वो इधर ही घूमता रहेगा, सही है। तो इसके लिए अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, ए आर आर का वही इंडेक्स ऐसे करके करना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो बात? क्योंकि ये वाला तो ईच आइटम तो लोकल वेरिएबल है ना, ये जब मैप चल के ख़त्म होगा तो ये वेरिएबल भी साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो वेरिएबल का स्कोप होता है ना, जैसे इसका स्कोप जो है वो इस मैप के अंदर है, यानी इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के दरमियान है, तो अगर ये ब्रैकेट ख़त्म होगी ना जब, तो ये वेरिएबल भी मेमोरी से रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, तो इसलिए मुझे ARR के ऊपर डायरेक्ट ऐसे आई करके, अच्छा इसको मैं इंडेक्स लिखा है ना मैंने, इसको जस्ट आई भी लिख दूँ तो एक ही बात है, ठीक है। जस्ट आई का मतलब भी इंडेक्स ही कंसिडर किया जाता है ऐसे, तो मैं कहूँगा कि ARRI इक्वल्स टू ARR का इंडेक्स आई मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ। या मैं इसको कर सकता हूँ कि यार ईच आइटम मल्टीप्लाई बाई 2, एक ही बात, ठीक है। तो ये पूरा आखिर तक चल के ही दम लेगा। लूप चल रहा है, जस्ट लूप चलाने का जस्ट अनदर वे टू लूप थ्रू। और इसका जो अपसाइड है वो मैंने आपको बता दिया कि ये इनफाइनाइट वगैरह होने वाला चक्कर नहीं है, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है एज कम्पेयर टू फॉर लूप। इसका भी एक डाउन साइड है कि इसको बीच में रोक नहीं सकते आप, तो ये वहीं पर रिकमेंडेड है चलाना जहाँ पर लास्ट तक जाना है। जैसे कि भाई ये कह रहे हैं उसके सारे इंडेक्सेस पे जाओ और जाके सबको स्क्वायर में कन्वर्ट मार दो, तो इसके लिए सही है। बट किसी एरे अगर 200 इंडेक्सेस का एरे है, एक नंबर लो उस एरे में जाके तलाश करो कि कहाँ पर है, तो इसके लिए ये रेकमेंडेड, क्योंकि जहाँ मिल गया तो वहाँ रोकना है उसको, तो उसके लिए फिर ये रेकमेंडेड नहीं है। ये चलाएंगे तो आखिर तक छोड़ के आएगा उसको, भले दरमियान में वो नंबर मिल भी जाए लेकिन जाएगा ही आखिर तक। तो कुछ जगहों पर ये नॉट रेकमेंडेड भी है, जहाँ पर दरमियान में आपने ब्रेक करना है ना वहाँ पर आप ये वाला नहीं चलाते। चला भी नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि आपने देखा वो एक ही लम्हे के अंदर पता नहीं 4-5 दफ़ा 1000 दफ़ा घूम जाता है लूप ना, तो वो तो प्रोसेसर तो आजकल बहुत फास्ट हो गए, तो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर पर डिपेंडेंट होता है ये कि ये कितनी दफ़ा घूम रहा है और वो क्या स्पीड है, और वो सारी चीज़ें वो आपके प्रोसेसर पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप मैप लगा भी दें ना तो 2-4 हज़ार इंडेक्सेस तक इसको कोई मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि
ज़ाहिर है जितने पे ख़त्म हो गया ना, तो एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर ज़ाया नहीं करना आपने, ठीक है। कंप्यूटिंग पावर ज़ाया करने से क्या होगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया होती है ना, एनर्जी ज़ाया होती है। तो आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर अगर 1 मिलियन बंदा यूज़ कर रहा है और 1 मिलियन बंदे के 200 साइकिल एक्स्ट्रा घुमा रहा है वो, तो अच्छा खासा ये एनर्जी का कंजम्पशन हो जाता है। तो एफिशिएंट कोड लिखने का ये बेनिफिट है कि ओवरऑल इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ना, पूरे प्लेनेट पे इम्पैक्ट होता है अगर आपने कोड अच्छा लिखा है तो। जी दोस्त, इक्वल टू लेस देन, ये फंक्शन है, ये जो बात लिखी हुई है ना ये फंक्शन का पार्ट है। अभी हम बहुत जल्दी फंक्शन की तरफ मूव होंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन को। तो अभी जो ये सिंटैक्स जो है ना, ये वाला इतना पार्ट, इसको अभी आप कोशिश करें इसी तरह से डाइजेस्ट करें जैसे ये लिखा हुआ। अच्छा, मैप को कहीं पे भी आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे ना, वो इसी तरह मिलेगा। अच्छा, कुछ जगहों पे इसको ना फंक्शन लिखने का एक ES5 का भी तरीका है। ES5 में ना फिर ये नहीं होता, सही है। ES5 में यहाँ पे लिखा हुआ होता है फंक्शन, सही है, ऐसे लिखा हुआ होता है ES5 में ना। तो कुछ जगहों पे आपको इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर ना, लेकिन वो बात एक ही है, फंक्शन फंक्शन है, ठीक है। ES6 के फंक्शन में और ES5 के फंक्शन में फंक्शनैलिटी वाइज बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है कोई इनमें, लेकिन वो काम मोर और लेस एक तरह का ही करते हैं वो, ठीक है। ये जो है ना, इसको कहते हैं फैट एरो, इसका इस एरो का एक नाम है, इसको कहते हैं फैट एरो। और इस तरह से जो फंक्शन बनाए जाते हैं उसको फैट एरो फंक्शन भी कहते हैं, उसको लैम्डा भी बोलते हैं प्यार से, ठीक है। वैसे तो नाम इसका फंक्शन ही है, लेकिन कुछ लोग लैम्डा भी कहने लग गए हैं इसको, क्योंकि ये सिंटैक्स लैम्डा है, सही है। सिंटैक्स जो है ना लैम्डा फंक्शन का है, तो इसके कई और दूसरे छोटे छोटे नाम रखे हुए लोगों ने। अच्छा जी, यहाँ तक जो हमने मैप पढ़ा, इसमें कोई सवाल, इसको एक बार चला के भी देख लेते हैं, सही है। जस्ट ये ईच आइटम को प्रिंट करवाया है मैंने, तो ये नंबर सीधे सीधे प्रिंट हो जाने चाहिए, है ना, अगर ये कोड सही लिखा है मैंने तो। सही है, तो ये नंबर 3434 से लेके और ये 3 तक प्रिंट होगा सारे, ठीक है। इसको मैं बीच में रोकने वोकने वाला हिसाब इसके अंदर नहीं है, उसमें ब्रेक और वो था ना, वो इसके अंदर नहीं है। अच्छा, अब इस मैप के ज़रिए क्या मैं 2-डायमेंशन एरे को भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसका जवाब है हाँ, सही है। अच्छा, तो अब ये मैंने ऊपर वाला जो कोड कॉमेंट किया था उसका रीज़न था कि मैं इसको क्या करना चाह रहा था, सेम चीज़ जो है वो, इसको मैंने यहाँ से किया कट और इसको ले जाता हूँ मैं ऊपर। मुझे यार आज ना कोड एक हाथ से लिखना पड़ रहा है, अच्छा अब मैंने ये मैट्रिक्स वाला कोड दोबारा से ओपन कर दिया है और मैंने यही सेम काम जो मैंने फॉर लूप से किया था, ये मैंने किससे करवाना है, मैप से करवाना है, ठीक है। अच्छा, तो ये आउटर लूप जो है ये तो, बल्कि उसको हम यहाँ से पूरा लिखना शुरू करते हैं ना, ठीक है। मैट्रिक्स 1.मैप जाना तो आखिर तक है इसमें, तो ठीक है, चल जाएगा मैट्रिक्स 1.मैप करके। हाँ नहीं, मैंने आपको दोनों दो तरीके मौजूद हैं एक ही काम को करने के, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, तो जहाँ पे जो आपको मुनासिब लगेगा वो यूज़ करेंगे। अच्छा, बाय द वे, लूप चलाने के ना कई और भी तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप चलाने के कई और तरीके हैं। फॉर लूप तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल था, मैप जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होता है, जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक चीज़ है जो मैप अभी हम पढ़ रहे हैं। फॉर लूप इन ऑन अदर एंड जो था वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल था, तो इसका मतलब है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप आपको मिलेगा, ठीक है। बट मैप जो है ना ये जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक चीज़ है। अच्छा, और जावास्क्रिप्ट में मैप ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू फॉर लूप, डिवेलपर ना इसको प्रेफर करते हैं मैप को, ठीक है। हाँ, वजह यही कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश बहुत कम है, इनफाइनाइट वगैरह होने का उसमें चक्कर नहीं है, ठीक है। और क्योंकि वो एरे पे ही हमेशा करना होता है, तो वो एरे डॉट मैप लगाओ तो वो पूरे पे मैप थ्रू कर लेता है। जहाँ पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अच्छा बीच में रोकना है या दरमियान में कुछ ऐसी जगह आएगी कि अच्छा यार ज़्यादा या कम चलाना है,
जो एरे की एक्चुअल क्वांटिटी से ज़्यादा या कम चलाना है, तो वहाँ पे हम फिर फॉर लूप लगाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर जगहों पे ना डेवलपर मैप को प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे, सही है, मैंने कह दिया ईच रो, सही है ईच रो, क्योंकि यहाँ पे पहली दफ़ा जब घूमेगा तो मुझे इतना पार्ट मिलेगा, दूसरी दफ़ा में मुझे इतना पार्ट मिलेगा, तीसरी दफ़ा में मुझे इतना पार्ट मिलेगा। तो मैंने इस मुनासबत से इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ईच रो रख दिया, सही है। अच्छा, कॉमा करके मैंने इसमें आई भी ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये तीन दफ़ा घूमेगा, पहली दफ़ा में ये मिलेगा इसको, दूसरी दफ़ा में ये, तीसरी दफ़ा में ये, ठीक है, किस में, ईच रो के अंदर। अब इस ईच रो को मैंने क्या किया यार, ये क्या हो जाता है, इसको थोड़ी देर में अच्छा इसको मैं क्या करवा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, मैंने कहा यार ईच रो, सही है जी, कंट्रोल डी कंट्रोल सी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा कंट्रोल वी पेस्ट, सही है, इतने को कर दिया मैंने। अच्छा, इतने कोड से क्या होना चाहिए कि तीन दफ़ा कंसोल आएगा, एक दफ़ा ये पूरा, एक दफ़ा ये पूरा, एक दफ़ा ये पूरा। अच्छा, इस फॉर लूप को मैं रोक देता हूँ और लास्ट में ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा प्रिंट हुआ हुआ है, एज अ रिजल्ट इसको भी मैं रहने देता हूँ। यहाँ से मैं आया और मैंने कहा जी कॉपी पाथ, और यहाँ पे जाके मैंने कहा कॉपी पाथ पेस्ट एंड गो, ठीक है। तो देखो ईच रो के अंदर ना देखो तीनों रो एक एक करके आ गई, तो सिंगल तो पहले भी चलाया था, अभी दोबारा चला लिया। अब नेस्टेड वाला काम इसमें कैसे होगा कि जैसे ही इसके अंदर बॉडी में दाखिल हो ना, हमें क्या करना है यहाँ पे, एक और डॉट मैप लगाना है। लेकिन अब वो डॉट मैप मैं लगाऊंगा किसके ऊपर, मैट्रिक्स वन पर तो डॉट करके तो नहीं लगाऊंगा, वरना तो बाहर वाले सेम हो जाएगा। मैट्रिक्स वन का इंडेक्स आई डॉट मैप, सही है। और उससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट कि ईच रो जो है ये वाला, ये एक एरे मिल रहा है ना मुझे, पहली आइट्रेशन में तीन इंडेक्स के एरे, तो मैं मोर कन्वीनियंटली बोलूँगा कि ईच रो डॉट मैप, कितना कन्वीनियंट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो फॉर लूप हम नेस्टेड चलाते थे। अच्छा, इसमें भी मुझे सेम चीज़ मिलेगी। अच्छा, इसका नाम मैं ईच रो नहीं रखूँगा, ईच वैल्यू रख लूँगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट से बच सकूँ, ठीक है ना, वरना मुझे नीचे कंसोल करते हुए समझ नहीं आएगा कि कौन सा ईच वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसके मैंने एक का नाम रखा है ईच रो, एक का नाम रखा है ईच वैल्यू। ईच रो में मुझे एक एक रो मिलती है पूरी, और ईच वैल्यू में मुझे ऐसे एक एक करके ये वैल्यू मिलता है ऐसे, ठीक है। तो ईच वैल्यू कर दिया मैंने। अच्छा, कॉमा डाल के मुझे इंडेक्स भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने जे ले लिया, ठीक है। वैसे इंडेक्स को मैंने कहीं यूज़ नहीं किया, लेकिन चलो मतलब यूज़ शायद करना पड़ जाए मुझे, तो इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे जब आऊँगा ना, और यहाँ पे जब आके मैं करूँगा कि कॉन्सोल डॉट लॉग, सही है, ईच वैल्यू और कंट्रोल डी कंट्रोल सी, सही है, यहाँ जब ईच वैल्यू प्रिंट करूँगा ना मैं, तो एक एक करके वैल्यू प्रिंट होगी, 2, 1, 6, 9, 6, 4 ऐसे करके प्रिंट होगी, ठीक है। इसको मैं रोक देता हूँ, इसको बल्कि उड़ा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा नेस्टेड लूप जो है ना, ये कंप्लीट हो गया एक्चुअली। आगे चलते हैं यहाँ पे, और इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये एक एक करके तमाम इंडेक्सेस पे चला गया, सेम चीज़ अचीव हो गई। जो फॉर लूप से हम नेस्टेड लूप चलाते थे वो हमने मैप के ज़रिए कर लिया, ठीक है। और मैप वाला जो तरीका है हमारा वो काफ़ी क्लीन है, अगर आप इस पर गौर करें। अगर इसको साइड बाय साइड में रखूँ ना, तो ये मैप वाला तरीका निस्बतन क्लीन है। ये इसमें एंगल ब्रैकेट ब्रैकेट ये कंडीशन वंडीशन लगी हुई है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, वो ये वाला सारा मामला इसमें है ही नहीं। तो ये निस्बतन काफ़ी क्लीन है कि भाई मैट्रिक्स वन डॉट मैप पे ईच रो मिला, ईच रो के ऊपर डॉट मैप लगा दिया, दैट्स इट। इसको नहीं, इसको पता नहीं चल रहा। देखो इसका चक्कर पता है क्या है, इसको यहाँ पे एक एरे चाहिए, एरे के अलावा किसी और चीज़ पर डॉट मैप लगाओगे ना, उसने वैसे ही मना कर देना। अच्छा, जब मैं एरे के ऊपर डॉट मैप लगाते हो ना, तो ये कहता है कि भाई ये फंक्शन दो आप एक मुझे,
उस फंक्शन को मैं उतनी बार घुमाऊंगा जितने उस एरे में इंडेक्सेस हैं, और हर दफ़ा मैं यहाँ पे आपको एक एक वैल्यू करके दूंगा। अब यहाँ पे इसका नाम ना मेरी मर्ज़ी का है, सही है, ये नाम मेरी मर्ज़ी का, इसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ईच रो रख दिया, यहाँ पे ईच वैल्यू रख दिया, मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, बट नाम रेलिवेंट होना चाहिए, राइट। तो इसलिए रेलिवेंसी की वजह से मैंने इसको ईच रो लिखा। अच्छा, तो ये मैट्रिक्स वन का ना एक एक इंडेक्स करके फेंकेगा यहाँ पे, इसको नहीं पता ये रो है क्या है, उसको थोड़ी पता है। मैट्रिक्स वन का पहला इंडेक्स फेंकेगा पहली दफ़ा में, मैट्रिक्स वन का दूसरा इंडेक्स फेंकेगा दूसरी दफ़ा में, और तीसरा इंडेक्स तीसरी दफ़ा में। अच्छा, ये तीन ही दफ़ा घूमेगा, चौथी दफ़ा ही घूमेगा नहीं, क्योंकि एरे की लेंथ पे ये फिक्स होता है, ना कम ना ज़्यादा, फिक्स होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो मैट्रिक्स वन के ऊपर जब मैप लगाऊंगा तो मैट्रिक्स वन के इंडेक्सेस फेंकेगा, मैट्रिक्स वन का इंडेक्स ये है, ठीक है। इसी तरह ईच रो पे जब मैं मैप लगाऊंगा तो ईच रो के इंडेक्सेस फेंकेगा, मिसाल के तौर पे ईच रो जो है वो ये एक दरमियान वाली चीज़ है, तो इसके इंडेक्सेस फेंकेगा, यानी 6, 4, 5, 6 ऐसे करके फेंकेगा। तो वो यहाँ पे किसी भी नाम से मैं उसको पकड़ सकता हूँ, मैंने उसको पकड़ा है ईच वैल्यू के नाम से, ठीक है, रेलेवेंसी की वजह से, अदरवाइज ये मेरी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, समझ आ रही है ये वाली बात। हाँ, हर वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना हो ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैट्रिक्स वन का इंडेक्स आई कॉमा जे इक्वल्स टू, और सेम वही सेम चीज़ हो रही है ना यार, जो मुझे लूप के अंदर आई और जे मिलता था ना, ये वाला काम जो मिलता था वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है आई और जे, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अच्छा, ये वाली बात सब लोगों को समझ आ गई। एक लास्ट चीज़ और रह गई है मैप में, उसको पढ़ के हम फिर छुट्टी करते हैं, सही है।